बताओ सही आउटपुट क्या होगा। आपके पास 4 choices हैं। I is equal to 1 है तो ये while condition I is less than 2 satisfy हो जाएगा और I का value 1 print हो जाएगा। फिर I में 1 add हो जाएगा और I अब 2 हो जाएगा। 2 I से छोटा नहीं है इसलिए अब की बार I less than 2 fail हो जाएगा और control else block में आ जाएगा और finally 0 print हो जाएगा। तो सही choice होना चाहिए option B। Run code, oops, that's not right. क्या आपको पता है पाइथन में आप इंटीजर्स को ज्यादा रीडेबल बना सकते हैं। नंबर वन वेरिएबल में 2 बिलियन स्टोर्ड है और नंबर 2 5000 है। नंबर वन मल्टीप्लाई नंबर 2 इवन बिगर नंबर प्रिंट प्रोडक्ट पर आउटपुट में नंबर रीडेबल नहीं है। इसको फिक्स करने के लिए हम एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। कर्ली ब्रेसेस में सिंपली प्रोडक्ट के बाद कोलन और कोमा ऐड कर देंगे एंड यू कैन सी द रिजल्ट नाउ। अंडरस्कोर्स भी यूज कर सकते हैं। ये फंक्शन भी कमाल है पाइथन में। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है फंकी। डबल एस्ट्रिक के डिनोट कर रहा है कि फंकी कीवर्ड आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता है और जब भी फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो ये सिंपली इन कीवर्ड आर्गुमेंट्स से एक डिक्शनरी प्रिंट कर देता है। रन कोड और ये रहा आउटपुट। ये एक डिक्शनरी है। क्या लगता है आपको क्या आउटपुट होगा? लैंग पाइथन है। अगर लैंग C, C++ या जावा है तो वेलकम टू द क्लब, अदरवाइज बाय बाय। चलो इसको रन करते हैं और आउटपुट मिला वेलकम टू द क्लब। ये तो ठीक नहीं है। एक्चुअली यहाँ लैंग इक्वल्स टू सी, ये तो फॉल्स आएगा, पर सी प्लस प्लस और जावा से ट्रू रिजल्ट आएगा। तो इसको हम इन ऑपरेटर से फिक्स कर देंगे। अगर इस लिस्ट में से कोई लैंग में है तो वेलकम टू द क्लब, अदरवाइज बाय बाय। और अब सही आउटपुट आया है, बाय बाय। अरे आउटपुट कमेंट तो करते जाओ। ये पाइथन स्क्रिप्ट यूजर से उसका नाम पूछता है और स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। यूजर बहुत बिजी इंसान है, वो टाइपिंग में कैपिटल स्मॉल का ध्यान नहीं रखता। आप ही अपने स्क्रिप्ट में टाइटल फंक्शन यूज करना शुरू कर दो। रन कोड, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल। वी और जे कैपिटल, बाकी स्मॉल। क्या आपको पता है पाइथन में भी कैरेट होता है? नहीं नहीं, ये वाला कैरेट नहीं, ये कैरेट है। इस पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट 1 नहीं है तो फिर क्या है? वाई में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो जेड हो जाएगा 1 कैरेट 2। पाइथन में इसे बिट वाइज और ऑपरेटर बोलते हैं। बाइनरी में 1 को लिखते हैं 0 1 और 2 को लिखते हैं 1 0। डिफरेंट बिट्स के केस में जोर ऑपरेशन से 1 मिलता है। फाइनली 1 1 डेसिमल में होता है 3। रन कोड 3। अब आप जब भी कैरेट खाओगे ना तो मैं आपको याद आऊंगा। आई लव यू। एक डिक्शनरी है पर इसमें एलिमेंट्स क्या है? आई लव यू। लिस्ट में 3 एलिमेंट्स है इसलिए लूप 3 बार चलेगा। लेन फंक्शन को पहली बार आई मिलेगा, पहला की वैल्यू पेयर होगा I1, दूसरी बार लव मिलेगा, दूसरा की वैल्यू पेयर होगा लव 4 और तीसरा। बस हम समझ गए। रन कोड और ये रहा आउटपुट। ये मैंने सिंपल से 2 लाइंस लिखे हैं पाइथन में। आउटपुट बता सकते हो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है, इसमें एक भी की वैल्यू पेयर नहीं है और ऑल फंक्शन या तो ट्रू रिटर्न करता है या फिर फॉल्स। अगर इस डिक्शनरी में सारे कीज ट्रू है तो ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स। एम्प्टी डिक्शनरी के केस में भी ट्रू ही रिटर्न होगा। ट्रू। मिलिए जिपी से, हेलो और होला को जिप कर दिया। HHEOLLLA जिपी को इनमरेट कर दो। 0 1 2 3 इनम पर 4 लूप चला दो। क्या इंग्लिश कैर स्पेनिश कैर के बराबर है? अगर हाँ तो इंडेक्स प्रिंट कर दो। रन कोड 0 2। पाइथन में ये डिक्शनरी टिप आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। पर्सन एक डिक्शनरी है जिसमें 4 की वैल्यू पेयर्स हैं। यहाँ पर कंट्री की का वैल्यू प्रिंट किया जा रहा है पर कंट्री की तो इस डिक्शनरी में है ही नहीं। तो बताओ क्या आउटपुट आएगा? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? पाइथन इज कूल। इस पाइथन स्क्रिप्ट का आउटपुट क्या होगा? ऑल फंक्शन में मैंने एक डिक्शनरी पास किया है। इस डिक्शनरी में 3 की वैल्यू पेयर्स है। क्या इस डिक्शनरी के सारे कीज ट्रू है? नहीं, फर्स्ट की 0 है। 0 मतलब फॉल्स। रन कोड फॉल्स। क्या आपको भी पाइथन कूल लगता है तो कमेंट में लिखो। कितना मजेदार गेम है ये। इसमें आपको बूटी जीतना है। 4 तरह के बूटीज हैं। 2 गोल्ड बूटीज है, 1 रूबी बूटी है एंड सो ऑन। 4 लूप 4 बार चलेगा। एक एक करके सभी डिक्शनरीज में से बूटी का वैल्यू एनी फंक्शन में पास होता जाएगा। एनी फंक्शन या तो ट्रू बोलता है या फॉल्स। अगर एक भी बूटी बचा है मोर बूटी अवेट्स प्रिंट होगा, पर आप तो सभी बूटीज जीत लोगे। ऑल बूटी फाउंड प्रिंट हो जाएगा।
इतना सारा कोड सिर्फ एक ही लाइन में फिट हो सकता है, पर कैसे? यूजर्स लिस्ट पर फोर लूप चल रहा है, ग्रीट फंक्शन से हर यूजर को हेलो बोल रहे हैं। रन कोड, हेलो दिया, हेलो किया, हेलो रिया। पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन है मैप, मैप ग्रीट यूजर्स, और फिर मैप को लिस्ट में पास कर देंगे। मैप हर यूजर के लिए एक बार ग्रीट फंक्शन चलाएगा। रन कोड और सेम आउटपुट आया है। मैप समझ आया तो कमेंट में लिखो हेलो मैप। पाइथन में ये इनबिल्ट फंक्शन कुछ हटके है। ऑल फंक्शन या तो ट्रू रिटर्न करता है या फिर फॉल्स। इस प्रोग्राम में मैंने ऑल फंक्शन में एक लिस्ट पास किया है। ऑल फंक्शन चेक करके बताएगा क्या इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स इवन है। अगर हाँ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। रन कोड फॉल्स। लेट्स से अब 9 नहीं 24 है। आउटपुट आया ट्रू। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स में आर्ग्यूमेंट्स का पोजिशन डिसाइड करता है कि वो फंक्शन में किस पैरामीटर में असाइन होगा। जैसे ये फंक्शन है एड मी, इसमें x और y पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है। अगर इस फंक्शन को ऐसे कॉल करेंगे तो x में 3 असाइन होगा और y में 5, और अगर इस फंक्शन को ऐसे कॉल करेंगे तो x में 5 असाइन होगा और y में 3। अब बताओ इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में पैरामीटर का नाम डिसाइड करता है कि वो फंक्शन में किस पैरामीटर में असाइन होगा, और आर्ग्यूमेंट्स हम किसी भी ऑर्डर में सेंड कर सकते हैं। चाहे मैं पहले नेम और फिर एज लिखूं, या फिर पहले एज लिखूं और नेम बाद में लिखूं, दोनों ही केसेस में आउटपुट तो सेम ही मिलेगा, नेम मारुति और एज 30। तो कमेंट में लिखो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। मैं पाइथन में ये डिक्शनरी सिंटेक्स यूज करना प्रेफर नहीं करती हूँ। इस पाइथन कोड को रन करते हैं और एरर आ रहा है की एरर, बट अगर हम की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह गेट मेथड का यूज करते हैं, कोड सक्सेसफुली रन होगा और आउटपुट आएगा नन। क्या आप पाइथन में हमेशा अपेंड मेथड यूज करते हो एक लिस्ट के आइटम्स को दूसरी लिस्ट में ऐड करने के लिए? मैं आपको आज एक न्यू फंक्शन बताती हूँ। इस प्रोग्राम में मोर नंबर्स लिस्ट के एलिमेंट्स को नंबर्स लिस्ट में ऐड किया है। फोर लूप की जगह आप एक ज्यादा कंसाइज मेथड यूज कर सकते हैं, एक्सटेंड। एक्सटेंड पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन है। लार्ज लिस्ट्स के लिए ये फोर लूप से ज्यादा फास्ट है। रन कोड और सेम आउटपुट आया है। एक काफी कूल चीज पता चली है मुझे पाइथन में फोर लूप के बारे में। एल्स की ब्रेक से नहीं जमती। ब्रेक रन होता है तो एल्स रन नहीं होता। एल्स तभी रन होता है जब लूप पूरा चलता है, लूप बीच में ही ब्रेक नहीं होता। अब बताओ आउटपुट क्या होगा। कमेंट करो, कमेंट में आपको सही आंसर भी मिल जाएगा। क्या ये ईमेल आईडी gmail.com से एंड हो रहा है? अगर हाँ तो एक्सेस ग्रांटेड, नहीं तो एक्सेस डिनाइड। कमेंट में बताओ इन चारों में से क्या आउटपुट होगा। रन कोड एक्सेस डिनाइड, क्योंकि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स है और इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू है। फॉल्स इज नॉट इक्वल्स टू ट्रू, इसलिए एक्सेस डिनाइड। लैम्डा फंक्शन का पावर आपको एक्चुअली तब रियलाइज होगा जब आप उसको एक दूसरे फंक्शन के अंदर यूज करोगे। ये एक फंक्शन है टाइम्स, जो एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, और ये आर्ग्यूमेंट किसी अननोन नंबर से मल्टीप्लाई होता है। डबल भी एक फंक्शन है, इसमें जो भी आर्ग्यूमेंट सेंड करते हैं डबल फंक्शन उसको 2 times कर देता है। 11 2s are 22। रन कोड 22। इस पाइथन स्क्रिप्ट में मैंने दो लिस्ट क्रिएट किए हैं, नेम्स और लेंथ। नेम्स का तो आपको पता है, इसमें 3 स्ट्रिंग एलिमेंट्स है, पर लेंथ में क्या क्या एलिमेंट्स है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? फोर लूप 3 चलेगा और एक एक करके इन सभी एलिमेंट्स का लेंथ इस लिस्ट में ऐड होता जाएगा। क्योंकि इन तीनों ही स्ट्रिंग्स में 6 कैरेक्टर्स है, इसलिए आउटपुट होगा 666। पाइथन में अभव स्कोर करना है तो अंडरस्कोर के ये 3 टिप्स बिल्कुल मिस मत करना। अंडरस्कोर का यूज करके आप नॉट इंटरेस्टेड वेरिएबल्स को थ्रो अवे कर सकते हो। मुझे नेम चाहिए, एज चाहिए, पर बर्थ ईयर नहीं चाहिए। बर्थ ईयर जी आप जाओ भाड़ में, आई मीन अंडरस्कोर में। अनपैकिंग ऑपरेटर से बीच के सभी एलिमेंट्स अंडरस्कोर में स्टोर हो जाएंगे। फॉर लूप में लूप काउंटर से मुझे कोई मतलब नहीं है। अंडरस्कोर लिखकर इटरेटर वेरिएबल को स्किप कर दो। क्या आपको अंडरस्कोर के और भी टिप्स पता हैं? प्लीज कमेंट। What is walrus operator in Python? जब तक यूजर 1024 एंटर नहीं करेगा, यूजर बाहर नहीं आ पाएगा। 2 सेम स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको यहाँ वाइल कंडीशन में ही फिट कर देंगे। ये है walrus operator। पेरेंथेसिस लगाना नहीं भूलेंगे। रन कोड और सेम आउटपुट आया है। CPP या C, आपकी फेब कौन है? आई लाइक पाइथन।
क्या, ये क्यों, मैंने क्या किया? इससे इन दोनों स्ट्रिंग्स का मेमोरी एड्रेस कंपेयर होगा और दोनों ही मेमोरी में बिल्कुल अलग एड्रेस पर स्टोर्ड है। स्ट्रिंग्स बराबर है या नहीं इक्वल टू ऑपरेटर से चेक होगा। रन कोड पाइथन इज गुड। हाँ, मेरा माउस कर्सर हर हाफ सेकंड में खुद ही मूव कर रहा है। चलिए पाइथन में ये एफ के बॉट क्रिएट करते हैं। इम्पोर्ट पाई ऑटो जी वाई एस पैक, इम्पोर्ट रैंडम, इम्पोर्ट टाइम और अब इनफाइनाइट वाइल लूप चलाएंगे। वाइल ट्रू, अब रैंडम एक्स वैल्यूज जनरेट करेंगे 300 से 500 तक की रेंज में। सेम यही वाई के लिए भी करेंगे। वाई वैल्यूज मैक्सिमम 200 और मिनिमम 600 हो सकते हैं। एक्चुअली ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं आपके मॉनिटर पर पिक्सल्स में। फिर पैक डॉट मूव टू और इस मेथड में एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और 0.5 पास कर देंगे। इसका मतलब सिंपली यही है कि माउस कर्सर को इस पोजीशन पर मूव कर दो और ये काम 0.5 सेकंड्स में होना चाहिए। फिर टाइम डॉट स्लीप 0.5, मतलब हर एक पोजीशन पर कर्सर 0.5 सेकंड्स तक रहेगा। लेट्स रन कोड। दो तरीकों से आप पाइथन में एक लिस्ट के एलिमेंट्स को दूसरी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। पहला मेथड है यूजिंग फॉर लूप। हर एक इटरेशन में मोर नंबर्स लिस्ट में से एक नंबर नंबर्स लिस्ट में ऐड होता जाएगा। सेकंड मेथड है पाइथन में इनबिल्ट एक्सटेंड फंक्शन। आप कौन सा मेथड यूज करते हैं कमेंट में मुझे जरूर बताएं। ये तो रॉकी भाई भी बता देंगे। 0.6 प्लस 0.7 1.3 होते हैं। पाइथन को क्यों नहीं आ रहा है फिर? वॉलेट में कम से कम 1.3 रुपीस होने चाहिए, तभी ऑर्डर प्लेस होगा, नहीं तो शॉर्ट ऑन कैश प्रिंट हो जाएगा। रन कोड। अरे मेरे पास पैसे है। है पर 1.3 नहीं है, 1.2999999 है। मारो मुझे मारो। ये 3 स्टेप्स फॉलो करो और खुद का चैट जीपीटी बनाओ पाइथन में। स्टेप 1 इंस्टॉलेशन। वीएस कोड इंस्टॉल करो और पाइथन इंस्टॉल करो और अब वीएस कोड में पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। स्टेप 2 कोडिंग। कोडिंग नहीं आती तो भी चलेगा। कमेंट सेक्शन में से ये 12 लाइंस कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर दो। चैट जीपीटी से जो भी पूछना चाहते हो वो यहाँ लिख दो। स्टेप 3 ओपन एआई एंड एपीआई की। टर्मिनल में रन करो पीआईपी इंस्टॉल ओपन एआई। ओपन एआई पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। एपीआई की यहाँ से मिलेगा क्रिएट न्यू सीक्रेट की। कॉपी पेस्ट रन कोड। वूहू, यस, इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। पाइथन सीपीपी या सी, आपकी फेव कौन है? आई लाइक पाइथन। क्या, ये क्यों, मैंने क्या किया? इससे इन दोनों स्ट्रिंग्स का मेमोरी एड्रेस कंपेयर होगा और दोनों ही मेमोरी में बिल्कुल अलग एड्रेस पर स्टोर्ड है। स्ट्रिंग्स बराबर है या नहीं इक्वल टू ऑपरेटर से चेक होगा। रन कोड पाइथन इज गुड। क्या ये ईमेल आईडी gmail.com से एंड हो रहा है? अगर हाँ तो एक्सेस ग्रांटेड, नहीं तो एक्सेस डिनाइड। कमेंट में बताओ इन चारों में से क्या आउटपुट होगा। रन कोड एक्सेस डिनाइड, क्योंकि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स है और इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू है। फॉल्स इज नॉट इक्वल्स टू ट्रू, इसलिए एक्सेस डिनाइड। अच्छा, अब आप हमें डिवाइड करके बताएंगे। ओके, तो ये लो 50 एंटर। अभी बताते हैं आपको, फिर से आ गए हम। दम है तो अब स्क्रिप्ट ब्रेक करके दिखाओ। मैं तो डर गया। एंटर।